दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में गाइस बात करेंगे दो ऐसी बड़ी कॉइन के बारे में। देखो अभी आप देखोगे लवली यूनु जो जिस तरीके से पंप करना है मार्केट में 30% अब जा चुका है गाइस, क्या इसके पीछे रीजन है। और सेकंड जो कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ किशु यूनु, जिसकी भैया काफ़ी सारी अपकमिंग लिस्टिंग अपडेट आ रही है। देखो एक ऐसी कॉइन है लवली यूनु जो भैया 30% तो दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट जो कॉइन होने वाली किशु यूनु उसको भी आप समझ लो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो से बेस्ट वीडियोस आपको मैं देते रहता हूँ। चलिए सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप देखो लवली इनू, लवली इनू भैया 30% अब चल रहा है। और दो ऐसी बड़ी अपडेट पहले ही ट्वीट पे आ चुकी थी गाइज, उसके बाद में ये सारी कहानी बनी है। अभी आप देखो ये जो लवली इनू के पीछे जो राज था वो अभी ट्वीट पे आप जो अपडेट आई वो देखो, फास्ट इन यूर सीट बेल्ट लवली कम्युनिटी इन 48 आवर्स। मतलब कहीं ना कहीं 48 आवर्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला था। और एक जो ट्वीट में जो लिखा आ रहा है लवली इनू स्वैप लॉन्च होने वाला है, आज नहीं कल भैया एक लवली इनू स्वैप और लवली इनू का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। उसके बाद जो प्राइस जाएगी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बेरिश मोड में जो 30% अगर लवली इनू देता है तो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि मार्केट वैसे ही नीचे में है और एकमात्र ऐसी कॉइन जो उठती है और अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। एक टाइम था लवली इनू जो डेट रखी थी गाइस 14-15 जो डेट थी उन सब में लिस्ट कराना था उसको, अपनी कॉइन को तो लिस्ट कराया भी था। तो ये भी एक बड़ा साइन होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए लवली इनू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो सेकंड अपडेट थी यहाँ पे अभी आप देख पाओगे, हैव यू ब्लॉक्ड योर टिकट फॉर द नेक्स्ट राइडर। मतलब ये जो कॉइन है वो रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, अपनी सीट बेल्ट भी टाइट कर लो, कहीं ना कहीं लंबी उड़ान उड़ने वाला है लवली इनू कॉइन। काफ़ी सारे ऐसे बड़े एक्सचेंज पे गाइस ये कॉइन जो कि लिस्ट है अभी आप देख पाओगे, यूनिस्वैप, पैंकस्वैप, गेट.io, हुबी, MEXC, BKEC, बिटमार्ट, बहुत सारे बड़े एक्सचेंज पे कॉइन वैसे भी लिस्ट है। कहीं ना कहीं जो दो मेजर अपडेट मुझे समझ में आई, ब्लॉकचेन और खुद का एक स्वैप आएगा, तो ये कॉइन अभी से पंप कर रहा है। ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव अपडेट होती है, क्योंकि लवली इन्होंने उस टाइम पे जो होल्डर्स ने बाय करके रखा था एक अच्छा पंप भी दिया और डंप भी मारा, क्योंकि मार्केट ही उस तरीके से चल रहा था। अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन आता है और लवली इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे होल्डर्स को एक तरीके से अपना बड़ा हार्ड लॉ दिया भी है। किशु इनू की बात करते हैं गाइस, किशु इनू को मैं इसीलिए ला रहा हूँ साथ में क्योंकि किशु इनू और लवली इनू को दोनों को कंपेयर हमेशा करते थे सभी लोग, और आज की डेट में किशु इनू जो कि 3% डाउन में है, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं जो आगे टाइम के लिए, सच में ये जो 30% लवली इनू में देखे वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा किशु इनू में हम देख सकते। चलिए सबसे पहले जो अपडेट है वो आप देख लो, किशु इनू ने भैया हुबी ग्लोबल और बाइनेंस को लेके एक बड़ी लिस्टिंग की अपडेट दी है, जिसमें डायरेक्ट रिप्लाई कर रहा है वो किशु इनू हुबी ग्लोबल को, जिसमें आप देख पाओगे द कम्युनिटी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। मतलब आपका इंतज़ार कर रहे भैया हमारी इस कॉइन को, कब आप अपनी कम्युनिटी में शामिल करते हो हुबी ग्लोबल पे, ये एक ट्वीट पे अपडेट आई। और जो सेकेंड जो बाइनेंस की तरफ से भैया किशु इनू प्लस बाइनेंस, कहीं ना कहीं एक साइन शो करता है कि कहीं अगर लिस्ट होता है तो हमारी जो किशु इनू की जो कॉइन है वो रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। और आप सबको पता है किशु इनू अगर लिस्ट होता है बाइनेंस पे बोलूँ या हुबी ग्लोबल पे बोलूँ तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि बड़ा एक्सचेंज है और ये जो कॉइन है इस पर लोगों का पहले से ही भरोसा है। लेकिन लिस्टिंग की अपडेट जो बिल्कुल नहीं आ रही थी, अगर वो आती है तो और ज़्यादा भरोसा जुड़ जाता है, क्योंकि होल्डर्स के मामले में अभी आप देखोगे जो किशु इनू के होल्डर्स है 2,58,517 होल्डर्स है, 0.003% की बढ़ोतरी है। मतलब रेड में तो नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं इस कॉइन के साथ, 3% डाउन है फिर भी, तो थोड़ा भरोसा होता है गाइज। बाकी एक्सचेंज की बात करूँ जो लिस्टिंग है, काफ़ी सारे ऐसे एक्सचेंज है, यूनिस्वैप पे, OKX पे मिल जाएगा किशु इनू कॉइन, Gate.io पे मिल जाएगा आपको, BKE पे मिल जाएगा, MEXC पे मिल जाएगा, बिटमार्ट पे मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे जो कि एक्सचेंज है जिसपे ये कॉइन आपको ईजिली मिल जाता है। देखो और एक बड़ी अपडेट आई थी गाइज अभी आप ट्वीट पे देखोगे क्रिस लियो की तरफ से, इसने भी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, इजिली 100x का रिटर्न दे सकता है किशु इनू कॉइन। और जिस तरीके से मार्केट चल रहा है यहाँ पे ये कॉइन जो पोजीशन बना रहा है वो आगे टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। मतलब पॉजिटिव तो साइन नज़र आता है इस कॉइन को लेके। बाकी आप बताइए कि क्या प्लान कर रहे हो आप किस कॉइन को लेके,
जो एक्सचेंज है जिसपे लिस्ट है वो तो आपने देख लिया, कहाँ से बाय करना है वो आप सबको पता है, जो जो मार्केट और जो जो एक्सचेंज में लिस्ट है वहाँ से आप इस कॉइन को बाय कर सकते हो। वीडियो में छोटी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आता है बिल्कुल लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्रिप्टो से बेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेगी।